नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार सरकार के तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र या फिर आर्थिक वर्ग से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो सर्टिफिकेट बनता था अंचल अधिकारी स्तर पर, वे अब नहीं बनेंगे। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जाति आय निवास प्रमाण पत्र को अंचल अधिकारी ही नहीं बल्कि राजस्व अधिकारी यहाँ पे जारी करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले से जो भी आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, क्या वे मान्य होंगे या नहीं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे, जो राजस्व अधिकारी आय जाति निवास सर्टिफिकेट को जारी करेंगे, वह सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई होगा। जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह एक पेपर की कटिंग है। इस पेपर कटिंग को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जाकर के इस पेपर कटिंग को आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर टेक्निकल ग्रीवा सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। जिसमें बताया जा रहा है कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर आर्थिक वर्ग से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो सर्टिफिकेट बनता था अंचल अधिकारी स्तर पर, उस सर्टिफिकेट पर अंचल अधिकारी यानी कि CO सर्कल ऑफिसर का सिग्नेचर होता था, तो ही वह सर्टिफिकेट मान्य होता था, जो कि अब यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व अधिकारी इन सभी सर्टिफिकेट को जारी करेंगे, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि सर्टिफिकेट को बनवाने में लोगों को काफी परेशानी होती थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट महीनों पेंडिंग में रहता था, इसलिए सरकार यहाँ पे राजस्व अधिकारी को यह काम सौंप दी है। अब बहुत से लोग ये मन में सोचते होंगे कि राजस्व अधिकारी के यहाँ तो और भी ज्यादा लेट होगा, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे राजस्व कर्मचारी नहीं बल्कि राजस्व अधिकारी, जिनको रिवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है, वे लोग ही सर्टिफिकेट को जारी करेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि कर्मचारी सर्टिफिकेट को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मचारी एक पंचायत यानी कि एक हलका का कर्मचारी होता है, जो पूरे पंचायत का भूमि संबंधित विवरण का लेखा जोखा उनके पास में रहता है, वे लोग सर्टिफिकेट को जारी नहीं करेंगे। यहाँ पे राजस्व अधिकारी जारी करेंगे, जो पहले अंचल अधिकारी का सिग्नेचर होता था, वहां पे राजस्व अधिकारी का ही सिग्नेचर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट पहले से बन गया है उन लोगों का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट पहले बन चुका है उनमें कोई भी प्रकार की बदलाव नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो नए सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे उन पर अंचल अधिकारी नहीं बल्कि राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो ही वह सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब बात करते हैं कि यह सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बिहार में आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है तो एक ही वेबसाइट है, सर्विस प्लस, उसी से ऑनलाइन किया जाता है। जैसे पहले ऑनलाइन आवेदन होता था, उसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भी होगा। अगर ऑनलाइन आवेदन आप नहीं करना जानते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसमें हमने आपको सारी जानकारी बताई है कि कैसे ऑनलाइन आवेदन होती है आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए। इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जब आप ऑनलाइन करेंगे सर्टिफिकेट के लिए, तो पहले अंचल अधिकारी का जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होता था, वहीं पे अब राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर होगा। लेकिन यह कब से लागू होगा इसके लिए कोई सूचना तो अभी नहीं है, जब भी सूचना मिलती है तो हम आपको बताएंगे। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।